ये ब्लूटूथ का BMS है, है ना? ये है ब्लूटूथ का BMS। तो ये वाली जो है, ये BMS कब लगाती है? जैसे कोई बैटरी में लगाया हूँ और उसमें बैलेंसिंग सही नहीं हो रहा है, तब उस पर लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय लवसा, आपको संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में स्वागत है। और मैं आज कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। कंट्रोलर देखिए, इसके वीडियो कई लोग नहीं डाल रहे सही से। मैं आपको बता दूं कि इसे आप इसकी वायरिंग बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसको खोलना और इसकी वायरिंग करना बहुत दिक्कत होती है। ये वीडियो में अभी किसी ने ज्यादा डाला नहीं है, जो भी डाला जैसे तैसे डाला है। और वो अब मैं डाल दूंगा तो सारी वीडियो आने लगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पहली है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी जानना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो हमारे पास भेजिए। इसे हम पूरी तरह से खोलना और इसकी तार की वायरिंग बताएंगे। जैसे तार की वायरिंग क्या होती है, रिपेयरिंग करते समय जो जैसे मेरे पास आया रिपेयरिंग, मैं उसे रिपेयरिंग करूंगा कैसे, इसके इसको जानना होता है। अगर यह वायरिंग आप नहीं कर पाते हैं तो फिर कैसे वायरिंग करेंगे, कैसे रिपेयरिंग करेंगे? रिपेयरिंग किया हुआ चीज आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये ठीक किया हूं या नहीं किया। तो इसको हम बताएंगे। और मैं बता दूं कि देखिए, मेरे पास इन्वर्टर का जो बोर्ड है, ये इन्वर्टर बोर्ड चालू करो, ये इन्वर्टर का बोर्ड है, देखिए ये नॉन इन्वर्टर का बोर्ड है, अभी नॉन इन्वर्टर चल रहा है। और ये इन्वर्टर बोर्ड पे हम सारे देखिए, नॉन इन्वर्टर भी चालू हो गया और इसका 3 मिनट बाद चालू होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको रिपेयरिंग हम सिखाएंगे तो इसी तरह से सिखाएंगे ताकि आपको खुला खुला सारा कुछ दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है, एसी की जो वो खोलते हैं वहां पे सारी कुछ चीज पता नहीं चलता, और खोल कस करते समय सब उसके साथ में गुच्छा सा लगा रहता है, तो पता नहीं चलता कौन किसकी तार है, किस लिए है। यहाँ पे आपको खोल के सारी चीज आएगी, आप हर एक चीज को खोल के देख सकते हैं। एक एक पेज लगा हुआ, जैसे मैं आपको बता दू, जैसे ये मैं बता दू, ये देखिए ये चालू पीस है और ये बोर्ड चालू है। इस तरह से खोल के आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे क्या दिक्कत है। अभी ये चालू चल रहा है और अभी ये 3 मिनट में चालू हो जाएगा। तो ये सारा इसमें सप्लाई भी चल रहा है, सब कुछ चालू है। तो आपको इसी तरह से सिखाएंगे ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। ऐसा एसी रिपेयरिंग हम सिखाएंगे, एसी नॉन इन्वर्टर, एसी इन्वर्टर वाली, ये नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों हम सिखाते हैं, पूरी तरह से सीखने की गारंटी है। ये सिर्फ इसमें क्या है, अब ये कंप्रेसर जुड़ेगा और कंडेंसर और ये वो जो क्वाइल है, ये सारे कनेक्शन होंगे। बाकी ये पूरी PCB कंप्लीट एसी है, पूरी कंप्लीट एसी है, इसमें से और कुछ अलग से नहीं है, पूरी कंप्लीट है। आप दोनों देख रहे हैं, दोनों आपको जो दिख रहा है, एक नॉन इन्वर्टर है, एक इन्वर्टर है। तो दोस्तों, आप आइए हमारे पास सीखने के लिए, 100% सीखने की गारंटी है। ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ पे सीख नहीं पाऊंगा और दूसरी जगह जो ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है वहाँ सीख पाएंगे, ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। ये आप रिपेयरिंग के मामले में आप नहीं जानते, इसलिए ऐसा सोचते हैं, नहीं तो आपको रिपेयरिंग क्या होती है इससे बेस्ट तरीका नहीं होगा। तो चलिए, मैं अभी आपको बताया था कि इसके बारे में बात करेंगे, कंट्रोलर कैसे खोलना है। ये वीडियो मार्केट में कम है और इसकी रिपेयरिंग कम है, लिथियम चार्जर की रिपेयरिंग कम है, और कोई भी डाला तो सही से नहीं डाला, और मैं आपको सही से डालूंगा, बस चैनल आपको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं YouTube में लाइव आने वाला हूं, तो ये 2-4 दिन में आएगी, उसकी डेट में फिक्स इसलिए नहीं कर बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास सीखने आते हैं उन सबको भी कहना है कि मैं भी साथ में रहूंगा। तो इन सबसे एक बताइए लोग कि किस तारीख को ये लोग, कई लोग जाने वाले भी हैं, तो इन सब का राय लेके उसके बाद मैं डेट अगले वीडियो में बता दूंगा। और 2-4 दिन में लाइव आने के बाद आप लोग भी साथ में आइए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में किसी भी चीज़ की पूछना हो, जानना हो, तो मुझे लाइव ही पूछ सकते हो। तो चलिए, मैं इसे खोलता हूँ। तो देखिए, ये अभी चालू हो गया, ये मोटर जो 3 मिनट बाद चालू होती है। तो ये सारी चीज है, ये पूरी तरह से कंप्लीट एसी है। आप इसमें से हर एक चीज के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, उसकी डायग्राम हम आपको देंगे जो कैसे काम करता है, ये सारा कुछ समझ में आएगा। इन्वर्टर का जो बोर्ड उधर दिख रहा है लास्ट में आपको, वो इन्वर्टर का मैं भी कनेक्शन करना बाकी है, उसमें काम होगा। इधर एक और है, इधर दिखाई, इधर देखिए एक और एसी जो मैं इसका अभी इसमें काम कर रहा हूँ, और ये भी इसी तरह से दीवार में लगेगी, जो आपको
जब भी आएंगे तो खोल के आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये लटक जाएगा तो आप खोलेंगे कैसे, एक सेकंड में निकलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले बंद करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये साइड का है, ये मैं निकालता हूँ, बिल्कुल ही आसान है। इस तरह से आपको नीचे रख के रिपेयरिंग सिखाएंगे। अब यहाँ पे जो भी आपको समझ में आएगा वो कैसे काम करेगा, इस पे और भी बल्ब लगाए जाएंगे, जो एसी के बोर्ड लगेंगे, ताकि हर एक तरह से कंप्लीट इन्वर्टर होना चाहिए। बस मैं इसे कभी एक लाइट चली गई तो मैं यहाँ से दो तारे बैटरी में जोड़ूंगा, ये इन्वर्टर चालू होगा। इस कंडीशन में आपको सिखाएंगे कि ये जो तरीका है बिल्कुल बेस्ट तरीका है। इतना बारीकी से समझाना, ये 100% समझने की गारंटी होती है, क्योंकि हमें ऐसा कोई बताया नहीं। और मैं जानता हूं कि आपको सीखने के लिए इसी तरह की जरूरत है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप आइए और सीखिए पूरी तरह से इन्वर्टर सीखेंगे। अभी ये साइन वेव है, ये साइन वेव बोर्ड लगा हुआ उसमें, और दूसरा जो स्क्वायर वेव बोर्ड लगा हुआ, और जो कंप्लीट जो होता है इन्वर्टर उस इन्वर्टर में भी दिखाऊंगा। लेकिन ये खुला खुला दिखने से क्या होता है कि आपको सारी बात समझ में आएगी, और इस तरह से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। कोई नया बोर्ड जैसे आपके यहाँ फंसा हुआ है इन्वर्टर का बोर्ड, 2-4 पीस 10 पीस आप लेकर आइए, उस पर प्रैक्टिस कराइए, कोई पैसा नहीं है, फ्री है। अगर इन्वर्टर की बोर्ड आपके पास 10 पीस खराब है वो आप लेकर आइए, उस पर रिपेयर करके दिखाएंगे, उसके कोई पैसे नहीं है। जो सामान लगेगा थोड़ा बहुत, इक्का दुक्का लगेगा तो वो मैं लगा दूंगा, अगर ज्यादा लगता तो सामान के पैसे आपको देना है, सामान खुद आपको लेके आना है, या आप मार्केट से, मैं बता दूंगा कहां से मिलता हूं, वहां से ले लीजिए। उसी तरह से इन्वर्टर का भी है, आपके पास किसी पीसीबी में फंसे हुए हैं, पीसीबी नहीं रिपेयर हो रहा है, आप लेकर आइए, हम उसे रिपेयर करके आपको उसी बोर्ड पे सिखाएंगे, चाहे वो नॉन इन्वर्टर हो या इन्वर्टर के हो, दोनों पीसीबी आप लेकर आ सकते हैं रिपेयरिंग के लिए। 10-10 पीस रिपेयरिंग लेकर आइए, फ्री में रिपेयरिंग, ठीक है। तो हमें अभी कंट्रोलर के बारे में जानना है, कंट्रोलर खोलना कैसे है। देखिए इधर चार पेज ये है, ये देखिए चार पेज है, 1, 2, 3, 4 ये चार पेज है, और इधर का चार पेज है, ठीक है। तो इन्हें पहले खोल लेंगे, ये मैंने दोनों ढक्कन खोल दिए, कितना आसान है खोलना, दोनों ढक्कन खोल लिए, और दोनों ढक्कन को साइड में ये लॉक लगा हुआ है, ये इसे आपको उठाना है, या तो इधर का कर लो या उधर का कर लो, दोनों एक साइड से करने ही पड़ेंगे, तो हमें इस साइड का कर लो, ये इस तरह से लॉक लगा हुआ है जिसको उठाना पड़ता है, ये लग गया। और उसके बाद ये दूसरा बाहुजी, इसको भी मैंने लगा दिया, तो ये दोनों मैंने लगा दिया। तीसरा भी आप चाहें तो यहाँ पे लॉक लगा ले, या ना चाहें तो आप इसे उठाएंगे, देखिए ये लॉक इसके बाहर हो गया, मतलब यहाँ जो ये हुक सा लगा हुआ है इसके अंदर में, ये यहाँ पे ये इसका लॉक है, प्लास्टिक लाल वाली ये प्लास्टिक की लॉक है जो पकड़ के रखा है कुंडी की तरह, तो इसे हमें निकालना होता है, ठीक है। ये निकाल दिए, अब ये लॉक छूट चुका है। अगर आपको इसी तरह से इधर करना है तो इधर भी कर सकते हैं, ये देखिए खुल गया। तो कैसे खोले, सिर्फ इसे उठाना था हुक से, इसे खुल गया। अब ये है जो हमें ऊपर के साइड में धकेलना है, तो इस तरह से खोलना है। ये मैंने इसके सिर्फ ये हुक है उसको उठाया हूँ, ये देखिए अब इसे आसानी से ऐसे ये खुल गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको खोलना है, और खोलने के लिए ये मैंने आपको जो तरीका दिखाया ये आपने गौर से देखेंगे, ये देखिए प्लास्टिक का जो ये बाहर से निकला हुआ है यही इसका लॉक है, ये इधर भी और इधर भी दोनों साइड इसका लॉक है, और ये लॉक ही जो है इसको पकड़ बनाता है। तो
तो कहने के मतलब है कि आपको खोलना कठिन नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए और ये हम सारा चीज़ सिखाते हैं। अब इसके अंदर में कौन सी तार किसकी है उसे आपको दिखाएंगे कैसे वाइंडिंग किया जाएगा। तो पहले हम इस पत्ती को निकालें, ये पत्ती कैसे निकलेगी है ना। ये लोगों ने क्या करता है, इसको निकालने के कारण रिपेयर नहीं कर पाती क्योंकि कहते निकलेगा ही ऐसा है नहीं, एक कंपनी मिल गया, लेकिन बिल्कुल आसानी से निकलेगा। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो थोड़े दिनों में ये जो पत्ती है इसे थोड़ा इस तरफ साइड या इधर साइड कोई एक साइड आपको निकालना पड़ेगा। तो हम इसे इस तरफ थोड़ा सा निकालता हूँ। थोड़ा निकल गया है, थोड़ा और निकालेंगे। अभी आपको दिखा नहीं होगा लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ये निकल गया है। और इसे अभी तो देखिए अभी हम इसे निकालेंगे, कुछ नहीं आसान है बिल्कुल। ये थोड़ा सा आपको ऊपर खींचना है। ये देखिए निकल गया है ना, ये निकल गया। अब इसे पूरी तरह से निकाल लेंगे। ये इसके साथ में रहता है ताकि नीचे बॉडी टच ना कर पाए, ठीक है। ये इसका है और ये पीसी भी निकल गया। निकालते समय लगाते समय भी ऐसे ही लगाना है, इसको ऐसे दबाएंगे और इस तरह से अंदर ही लग जाएगी। ये भी लग गया, ठीक है। ये कोर के अंदर में चला गया, इसका मतलब ये लग गया। जैसे ही मॉस्फेट लगेगा ये इस तरह से टेंशन हो जाएगा, दबा के रखेगा। तो ये कोई कठिन काम नहीं, बस इसे रिपेयर करना कठिन काम है। तो इसे रिपेयर करना कठिन क्या है कि नीचे जो कंपोनेंट लगा हुआ है अगर उनमें से कोई खराबी हो जाती है तो वो निकाल धर करना बड़ा कठिन काम है, और कोई कठिन नहीं है। तो आप इसे पहले वायरिंग जानना चाहिए कि वायरिंग कैसे करेंगे। अगर मैं मोटर कंट्रोलर चार्जर ये रिपेयरिंग के लिए सीख रहा हूँ तो इसे वायरिंग करना होगा। सारी नहीं भी आती है तो भी चलेगा, लेकिन जितना मोटर चलाने के लिए चाहिए वो चाहिए। ये हम इसे वायरिंग करके दिखाते हैं आपको कि कैसे करेंगे वायरिंग। तो अभी वीडियो बड़ी होगी तो मैं आपको वैसे दिखा दूं कि कैसे आप कौन सी तार समझेंगे। UVW और ये प्लस और ये माइनस, ये नो कनेक्शन, NC लिखा है नो कनेक्शन, मतलब ये मोटर की सेंसर वायर है 5 की। ये आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज ये आपको वो पूरी गाड़ी में वायरिंग होती है, हाई लो करना, लेफ्ट राइट करना, ये सारा इसमें से फंक्शन होता है। तो ये उसके लिए है, हाई लो करना, बैक करना, या मोटर में स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए वो चीज़ है। अभी आपको ये देखना है कि जो इग्निशन वायर है वो कहाँ जोड़ेंगे और थ्रोटल की वायर कहाँ जोड़ेंगे। तो कई बार थ्रोटल की तार यहाँ पे लगती है और कई बार थ्रोटल की तार यहाँ रहती है। इसमें है थ्रोटल की तार, ये SD लिखा हुआ है और ये 5 वोल्ट है। तो अगर आपको ये 5 वोल्ट नहीं देना है तो दूसरा एक यहाँ पे 5 वोल्ट आता है, इसे दे सकते हैं या इसे दे सकते हैं। लेकिन SD जो होगा, SD जो गलिन वाली तार होगी थ्रोटल की, वो SD इसमें लगती है, किसी दूसरे में दूसरी जगह लगती है, इसमें इस बोर्ड में भी आता है। लेकिन यहाँ पे SD ये है, यहाँ पे मेरा चेक किया हुआ है तो SD इस बोर्ड में यही है। और इसका जो निगेटिव है वो तो निगेटिव कहीं भी दे सकते हैं, जो निगेटिव लाइन है, जैसे ये बैटरी का निगेटिव है। लेकिन इग्निशन वायर कौन सा उसे खोजना है। तो इग्निशन वायर खोजने के लिए क्या करेंगे, देखिए कोई भी कंट्रोलर होता है उसमें मोटी सी रेजिस्टेंस लगी होती है, क्योंकि बाहर का जो वोल्टेज है उसे कम करने के लिए मोटी रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है, कम करना और एम्पियर कम करना इसके लिए। तो यहाँ पे इस मोटी रेजिस्टेंस पे वोल्टेज आएगी जो इग्निशन वायर से आएगी। तो इग्निशन वायर से आने के बाद वो डायोड पर जाती है। तो देखिए डायोड के बाद वो रेजिस्टेंस पे जाती है, तो रेजिस्टेंस से मैंने जोड़ लूँ
ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे इग्निशन वायर की वोल्टेज आती है, तो उसके पीछे एक डायोड है M7, डायोड से होते हुए आती है। तो मैंने डायोड पे पहले टच कर लें, ये डायोड है, ये डायोड के पीछे जो देखेंगे पीछे से इग्निशन वायर की तार होनी चाहिए। तो हमने ये देखो, ये है, ये नहीं 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 है, ये है। तो ऐसे करके चेक करना है, यानी ये इग्निशन वायर की तार है। जिसमें कोई एक रेजिस्टेंस नहीं लगी होती है उसको भी आप M7 डायोड देखेंगे, और IC पे अगर वोल्टेज जा रही है तो IC के वोल्टेज देखेंगे डायरेक्ट टच होगा। और अगर वहाँ 200 ओम्स रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 200 यानी 20 ओम्स, तो भी समझ के चलेंगे कि वो रेजिस्टेंस के पीछे एक डायोड होगा और डायोड के पीछे इग्निशन वायर होगा। इस तरह से आप कंफर्म करेंगे कि किसी किसी बोर्ड में 200 रेजिस्टेंस लगा होता है, जो 1206 वाट में होता है, तो वो रेजिस्टेंस के पीछे M7 डायोड होगा और डायोड के पीछे ये इग्निशन वायर होगी। ये कोने पे इसमें तो आ रही है लेकिन हर एक पिन में कोने पे नहीं आएगी। तो ये आप सोच रहे हैं कि मैं ये कोने पे बता दिया तो सब में कोने में होगा, ऐसा नहीं है, सब में अलग अलग होता है। तो किसी किसी में दूसरे नंबर पे है, किसी किसी में इसके इस तरफ भी है। तो आपको इसी तरह से मिलाना है कि M7 डायोड जो है इनमें से जो टच है और उसका आउटपुट मैंने कैथोड वो रेजिस्टेंस से जुड़ा होना चाहिए, तब आप मानेंगे कि यही पिन इग्निशन के हैं। क्योंकि यहाँ पे एक दो पिन और एक दो डायोड और भी होता है किसी किसी बोर्ड में, जैसे मैं इसको ले लूं, इसी का ये खुला वाला है, देखिए इधर लाइए, अभी देखिए यहाँ पे ये इग्निशन वायर कौन सा है, ये अलग बोर्ड है, M7AB है, M7AB है, और 200 ओम्स का रेजिस्टेंस जो 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ था इस बोर्ड में, इसमें नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे भी उसी तरह से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि IC पे जो वोल्टेज जा रहा होगा M7 से वो उसका होगा। तो जैसे देखिए ये मैंने नहीं आ है ना, तो इसका मतलब ये जो है इस तरफ हो रहा है, इसके पीछे से लेते हैं डायोड के, ये देखिए इस डायोड पे अगर है भी तो देखिए ये जो है निगेटिव है। अब ये देखेंगे पीछे देखेंगे, ये देखिए ये निगेटिव पिन है, तो निगेटिव से लेना देना नहीं होता है क्योंकि हमें इग्निशन वायर लगाना है। तो ये निगेटिव को छोड़ के चलो, तो ये वाला जो है पॉजिटिव इसमें टच है, और इस डायोड से जो निकल के वोल्टेज जा रहा है वो जा रहा है डायरेक्ट। यहाँ पर दो डायोड है, एक निगेटिव से टच है, तो ये IC 5 वोल्ट का IC है और 5 वोल्ट 14 वोल्ट है। ये जो है आपको मैंने बताया कि ये तो रेजिस्टेंस वाली है, और ये आपने डायरेक्ट देखना है कि जो इसमें रेजिस्टेंस पे IC पे आ रहा है M7, और M7 के पीछे जो है ये जा रहा है, तो ये इग्निशन वायर है। और दूसरे में जो जा रहा था फिर उसको मैंने देखा तो वो ग्राउंड पे है। तो इस तरह से आपको परखना है कि जो इग्निशन की वायर होगी वो डायोड पे जरूर जाएगी, और डायोड से कोई रेजिस्टेंस मोटी वाली होगी या SMD में होगी या फिर वैसे होगी डिप वाली, और नहीं तो डायरेक्ट IC पे जा रही होगी। तो ये है इग्निशन वायर। तो मैंने आपको बताया कि इग्निशन वायर कैसे लगेगी और मोटर की सेंसर वायर कैसे लगेगी, और थ्रोटल की जो वायर है थ्रोटल की वायर, ये इसमें जैसे अब उसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें बताया था आपको कि SD लिखा हुआ है और इसके 5 वोल्ट इधर है, तो ये दोनों पे प्लस माइनस और ग्राउंड कोई भी ले लो। यहाँ पे उस तरह से नहीं है, इसमें SP लिखा हुआ है और 5 वोल्ट लिखा हुआ है, SP प्लस और 5 वोल्ट लिखा हुआ। कुछ भी हो आप वोल्टेज चेक करेंगे 5 वोल्ट है, और यहाँ पे 0 वोल्ट होता है उस पे लगाते हैं, और 0.8 वोल्ट लगाने के बाद आना चाहिए मोटर के थ्रोटल वायर की ग्रीन वायर पे। तो इस तरह से आपको चेक करना है। बाकी ये सब जो है ये उसके लिए है जो स्पीड कम ज़्यादा करना, और कई तरह के फंक्शन है जिससे इसमें से मोटर की जो स्पीड, मोटर की फॉल्ट बताना, और भी कई फंक्शन है, लॉक लग जाना, ये सारे लक्षण के इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप थ्रोटल की वायर, मोटर की सेंसर वायर और इग्निशन वायर ये ज़रूरी है रिपेयरिंग करने के लिए, तो ये मैंने आपको बताए हैं। और कल मैं आपको लिथियम चार्जर भी बताऊँगा कि वो लिथियम चार्जर रिपेयर कैसे करेंगे, और इसके जो रिपेयरिंग है ये सारे रिपेयरिंग होगा, इसके वीडियो आएगी आपके पास, ये पूरी वीडियो देखिएगा। हमारे पास आइए सीखने के लिए 100% सीखने की गारंटी है। किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल का सीखना हो
या मोटर मोटर के बारे में सीखना हो, कंट्रोलर के बारे में, चार्जर के बारे में, लिथियम चार्जर के बारे में, हर एक चीज को हम सिखाते हैं और उस चीज के लिए पूरे सामान भी बेचते हैं, हर एक सामान बेचते हैं। जैसे अभी नए नए लिथियम चार्जर आ रहा है, उसमें शॉर्ट की डायोड पता नहीं चल रहा है, मेरे से लीजिए, मेरे पास है। जिसमें मॉस्फेट, छोटे वाले मॉस्फेट लग के आ रहा है, वो नहीं मिल रहा है, हम उसका तरीका बताएंगे क्या लगाएंगे, हमारे पास है, आप लेकर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी पार्ट्स को खरीदना हो तो मुझे कॉल कीजिए। हमारे पास सीखने के लिए आना चाहते हैं, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, बिल्डिंग मशीन, लिथियम बैटरी असेंबल करना या मोबाइल सीखना हो, हर एक चीज़ सिखाते हैं, 100% सीखने की गारंटी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।